देखिए आज हम आपको जो बता रहे हैं वो एक लेटर बता रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है 2023 में, और वो है कॉन्ग्रेचुलेशन इन दी एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा में बधाई के लिए। आपका कोई फ्रेंड है और वो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गया है तो उसको आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो उसकी हेडिंग होती है राइट लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन वो हेडिंग होती है, एग्जाम में आती है तो वो लेटर लिखना है। अब लेटर लिखने के सबसे पहले तरीके देखें, लेटर पहले हम एड्रेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं एड्रेस, एड्रेस लिखेंगे जो भी नंबर हो वो जो एरिया हो, इसे लिखा है 51 आजाद मार्ग आनंद नगर MP, राइट ये एड्रेस है। जब लिखा 1 जुलाई 2023, जो भी जुलाई मार्च अप्रैल जो आपको डालना वो डाल देंगे, ठीक है मंथ आपका यहाँ जाएगा। फिर आप लिखेंगे डेयर अस्मा, डेयर अस्मा मतलब डेयर लिखे और जो आपका फ्रेंड्स है उसका नाम, लेकिन सावधानी क्या रहेगी आप यहाँ पे जो भी पता लिखेंगे तो इस जगह पे एक कॉमा आएगा, एक कॉमा जुलाई जो आपका मंथ रहेगा मंथ के बाद आएगा, और एक जब आएगा जहाँ पर आप डेयर करके संबोधित करेंगे अपने फ्रेंड को वहाँ पर आएगा, राइट इतने एक कॉमा आएगा। फिर इसकी जो लाइन है ये बिल्कुल सिस्टमेटिक एक सी होना चाहिए, जैसे हमने लिखा आपको जमा हुआ होना चाहिए, राइट। और एक सावधानी, जब भी आपका पहला वर्ड आप शुरू करें वो कैपिटल लगे, बोलना हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ह्यूज सक्सेस इन दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ध्यान देखना बोला हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बहुत अधिक धन्यवाद, ऑन योर ह्यूज सक्सेस आपकी महान सफलता पर इन दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन। जब आप हाई स्कूल लिखेंगे तो इसका एच देखिए कैपिटल लेटर है, स्कूल का एच देखिए और एग्जामिनेशन का ई देखिए, ये कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में नहीं करना है इसको, ये सावधानी रखना है। तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ह्यूज सक्सेस आपकी महान सफलता पर, विशाल सफलता पर इन दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन पर बधाई दे रहा है, बोला हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बोला आई सॉ योर रिजल्ट, मैंने आपका रिजल्ट देखा है इन आर स्कूल, अपने स्कूल में स्कूल रिजल्ट लगता था वो आउट होता तो बोले आई सॉ योर रिजल्ट इन आर स्कूल, अपने स्कूल मैंने आपका रिजल्ट देखा, यू हैव स्टूड फर्स्ट, मतलब आप फर्स्ट आए, आप फर्स्ट आए, यू हैव स्टूड फर्स्ट गेटिंग डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन लेते हुए मतलब विशेष योग्यता लेते हुए सब्जेक्ट में, गेटिंग डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट्स, सारे विषयों में, सारे विषयों में एक में नहीं सारे विषयों में, यू हैव पुट एन एग्जाम्पल, आपने एक उदाहरण पेश कर दिया है बिफोर मी मेरे सामने, ठीक है We all are very happy. बोला हम लोग सब खुश हैं. We are all very happy to know ये जानकर, to know this ये जानकर, I distributed sweets. मैंने मिठाइयाँ बांट दी हैं among my friends अपने दोस्तों के बीच में. बोला rest on meeting. बोला बाकी मिलने पर. फिर यहाँ पर हमको एक full stop लगाना है. Rest on meeting बाकी जब हम मिलेंगे तब. फिर इसका भाई बड़ा लिखना है. Your loving आपका प्रिय. इसके बाद आप कॉमा लगाइए. फिर अपने दोस्त का नाम लिखिए जो भी हो, यहाँ से लिखा अनिल मिश्रा, राइट। तो इस तरह से जब कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखेंगे तो आपको कॉमे का ध्यान रखना है, तो एक लाइन से लिखना है यहाँ पे कौन सा कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर रखना है, इतनी सावधानी के साथ आपको एप्लीकेशन लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।